दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कैसे करें। अगर अभी आप अपने मोबाइल से मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का पूरी लास्ट तक जरूर देखें और एक बात का ध्यान रखें कि आपका मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में सेटिंग के ऑप्शन को खोल लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर में अबाउट फोन मिल जाएगा तो आपको यहीं पर जाना क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ से अगर आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बैक जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो सर्च बार दिख रहा है यहीं पर जाना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्टोरेज। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ बिल्कुल आपको इसी तरह से सर्च कर लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पर स्टोरेज दिख जाएगा तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है क्लिक कर लेना है और आपके पास भी बिल्कुल इसी तरह से स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको ये जो स्टोरेज दिख रहा है यहीं पर जाना है क्लिक कर लेना है और इसके बाद सिंपली आपको नीचे में जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट एसडी कार्ड दिख जाएगा तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है क्लिक कर लेना है और इसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट एसडी कार्ड तो सिंपली आपको इसी फॉर्मेट एसडी कार्ड पर जाना है क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड का फॉर्मेट होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल का मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है डन कर देना है। तो देखा कैसे बहुत ही आसानी से मोबाइल से मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।